इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप कितनी क्रिस्पी बनी है। हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ नाचो चिप्स का वीडियो, जो बहुत ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और साथ में अपन इसे मक्के के आटे से बनाएंगे तो ये हेल्दी भी रहती है। बैलून की तरह फुली फुली नाचो चिप्स बनाने का सीक्रेट राज और साथ में कुछ सावधानियां बरतेंगे, तो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप पानी। जितना आपका आटा हो उसके अकॉर्डिंग आपको पानी लेना है। इस पानी में डालेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा। मीठा सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, वो ले सकते हो। इससे क्या होगा, जो अपन नाचो चिप्स बनाएंगे ना उसमें क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहेगी वो। साथ में ही लहसुन की कलियाँ, नाचो जब अपन नाचो चिप्स को में मसाला मिक्स करेंगे तब आप लहसुन पाउडर भी ले सकते हो, लेकिन अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप ऐसे पानी में लहसुन फ्रेश वाले लहसुन छील कर पानी में डाल लीजिए। काली मिर्च, लौंग और दालचीनी इसी पानी में ऐड कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और पानी को एक बार बॉईल होने देंगे। ये देखिए बॉईल होने लग गया और ये नमक मिक्स होने लग गया है। अब जैसे पानी बॉईल होगा अपन गैस बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है नाचो चिप्स बनाने के लिए मक्के का आटा। देखिए कॉर्न फ्लोर होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, और या कॉर्न फ्लोर बोल दो, कॉर्न मिल बोल दो, लेकिन अपन को लेना है मक्के का आटा, कॉर्न स्टार्च नहीं लेना है आपको। और मक्के के आटे को आपको छान लेना है एक बार छन्नी से। मैंने यहाँ पर मक्के के आटे को छान लिया है। अब इसमें ये पानी ऐड करेंगे जो अपन ने बॉईल किया है वो, और ये लहसुन की कलियाँ आ रही है ना उन्हें निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे केवल लहसुन की कलियों को, क्योंकि लहसुन का जो पानी है, लहसुन की खुशबू हो जाए नाचो चिप्स में, इसके लिए मैं ऊपर से मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं। लेकिन अगर ये लहसुन की कलियाँ इसमें छोड़ देंगे ना तो फिर टूट जाएगी, जब अपन इसे बेलेंगे चिप्स को तो ये बिलेगी नहीं। जैसे अपन मटर इनके लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे आटा लगा लेना है पानी डाल डाल के। अब मैं पानी मिक्स कर करके आटा लगा लूँगी इसका। ये देखिए इसका मैंने आटा लगा लिया है। अब इस आटे को रखेंगे यहाँ पर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अपन मैदा। 1 कप अगर अपन कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं तो अपन 1 चम्मच डालेंगे इसमें मैदा, और ये जो आटा है इसी में मिक्स कर लेंगे। पानी लगाकर जो अपन ने गूंथ लिया है उसी में मिक्स करते जाएंगे ऐसे कर करके। मैदा मिलाने से क्या फ़ायदा है कि मक्के का आटा बिखर सकता है तेल में, अपन फ्राई करेंगे नाचो को तो बिखर सकता है, इसलिए थोड़ी सी अपन इसमें मैदा डाल देंगे और थोड़ा सा क्रंची क्रंची भी रहेगा ये। ये देखिए पूरा मिक्स हो गया है ना आटे में। और तीसरा तरीका है ये पॉलीथीन वाला, ये देखिए। लेकिन मैं एडवाइस करूँगी सबसे ईजी आपका तरीका रहता है ये पॉलीथीन वाला, तो आप ये पॉलीथीन वाला फॉलो कीजिएगा। अब इसे, क्योंकि बिल्कुल थिक लेयर निकलती है पॉलीथीन से, अब इसे शेप में लाने के लिए पहले कट कर लेंगे इक्वल। ये देखिए इक्वल पहले शेप बना लेंगे और फिर कट कर लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेंगे। 2 भाग करेंगे ऐसे, ये देखिए 2 भाग बनेंगे, और फिर इस तरीके से कट करेंगे नाचो शेप में, और फिर इस तरीके से कट लगाएंगे ऐसे कट करेंगे नाचो की जो शेप होती है वो वाली। ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे कट करना है, तो आपकी नाचो बिल्कुल सुंदर सुंदर बनेगी। ये देखिए अब अपन इन्हें क्या कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। अपनी कट चुकी है ये नाचो शेप में। यहाँ पर मैंने तेल लिया है, तेल को गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, चेक भी करेंगे पहले थोड़ा सा मक्के का आटा डालकर। ये देखिए डालते ऊपर आने लग गया ना, तो ये तेल अपना अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जब अपना तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से तब इसमें डालेंगे ये चिप्स।
अगर आप ऐसी फुली फुली नहीं बनाना चाहो तो हल्का सा छेद भी कर सकते हो। मैंने छेद कर दिया है वैसे। अब ये सारी जो चिप्स अपने बनाई है वो सारी इसमें डाल देंगे तेल में। अगर आप फुली फुली बनाना चाहते हो करारी करारी, क्योंकि बेकिंग सोडा डाला है वो आप इसकी परत को करारी करेगा, और ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना है वरना ये क्या होगी, लाल लाल हो जाएगी। ये देखिए कितनी फूली फूली है। लेकिन अगर अपन इसे थोड़ी देर रखेंगे, करारी नहीं करेंगे, तो ये वापस से सिकुड़ सी जाएगी। इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इन्हें एक प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें छेद किया है तो भी ये फूल चुकी है। बेकिंग सोडा डालने से यही होता है, बेकिंग सोडा नहीं भी डालोगे ना, लेयर थिक रहेगी तो ये फूल जाएगी। इसमें आप चाट मसाला, दही, मेयोनीज, चीज़ सॉस इनके साथ खा सकते हो। मैं यहाँ पर चाट मसाला वगैरह नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मैं इसे केवल सॉस के साथ खाऊंगी। मैंने सारी चीज़ इसमें मिला दी थी, काली मिर्च वगैरह, तो ऊपर से डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अगर आपको ये नाचो चिप्स का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।